वाला। वाओ धनवी का न्यू ड्रेस, धनवी का न्यू ड्रेस बहुत सुंदर लग रहा है आप तो। कैसे करना, कैसे कर रहे थे? इधर तो देख के करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा मस्त एंड स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज का पूरा दिन मेरा इतना ज़्यादा बिजी, इतना ज़्यादा बिजी कि मैं बता नहीं सकती। और होने वाला है, बहुत बिजी होने वाला है। सो अभी मैं बैठी हूँ, मैं धनवी को स्कूल छोड़ के आ रही हूँ और अभी थोड़ा सा पीऊँगी पानी और फिर मुझे करना है बहुत सारा काम, बहुत 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 सारा काम। थकान सी हो रही है। गाइस होली आने वाली है। होली किसको किसको अच्छी लगती है? हमें, मुझे तो अच्छी लगती है। मेरी जो शादी के बाद की पहली होली थी ना, वो बेस्ट होली थी, मेरी लाइफ की बेस्ट 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 होली। मतलब ऐसी होली शायद अब कभी ना आए, कभी ना आए, ऐसी होली थी वो। उसके बाद से शादी के बाद की सिर्फ वो एक होली थी जो बेस्ट थी। उसके अलावा सारे त्यौहार बस ऐसे ठीक ठाक ऐसे थे, और कोई ऐसा नहीं है। लेकिन वो होली बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मेरी नवंबर में शादी हुई थी और मार्च में होली, विकास वगैरह सब थे। अभी तो हम थोड़े इस टाइम सबका एक अलग था, सब फ्री थे, कोई बिजी नहीं था, कोई जॉब वॉब नहीं करता था, तो जब मर्जी हम मिलते थे। अभी सबका जॉब हो गया है, सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं, सब बड़े हो गए हैं। मतलब तब थोड़े, अब 4 साल पहले थोड़े से सब छोटे छोटे थे, अभी सब बड़े हो गए हैं, रिश्ते वैसे नहीं रहे जैसे थे पहले, बहुत सारे बदलाव हो गए हैं। तो बस चलो कोई नहीं, वो तो लाइफ का एक पार्ट है। आज अच्छा कल बुरा, कल बुरा कल अच्छा, तो वो तो चलता रहता है। उसके लिए कभी वो नहीं सोचना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए, अपना 100% देना चाहिए, किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आपको कोई कितना भी सोचे कि आप रुक जाओ, पीछे हट जाओ, यहीं बंद कर दो, कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता होता है सिर्फ कि आपको यहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत लगी है और सब कुछ थाली में परोस के नहीं मिल रहा है, बस मेहनत करके यहाँ हम पहुँचे हैं। और फिर अचानक से जब आपको चारों तरफ से ऐसे घेरा जाता है ना, जैसे मेरे साथ अभी इस टाइम पे हो रहा है, ऐसा घेरा जा रहा है ना, जाल में मुझे ऐसा फंसाया जा रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बट कोई बात नहीं, मेरे साथ मेरा ऊपर वाला है और उनको पता है कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ। बाकी बस मैंने सब कुछ उन पे छोड़ा हुआ है, सब कुछ उन पे छोड़ा हुआ है कि जो होगा जैसा होगा वो देखेंगे, अच्छा बुरा जैसा भी वो अपना खुद देखेंगे और वो करेंगे, उनके भरोसे है, सारा चीज़ उनके भरोसे है। फिलहाल चलते हैं, करते हैं काम धाम अपना। सो गाइस, आप ये देखो, सारा सामान किचन से निकाल के बाहर, आखिर क्यों रखा है? क्या हम लोग ये जो किचन है इसको खाली करके, मतलब ये सारा सामान हम कहीं और शिफ्ट करने वाले हैं, या यहाँ किचन की जगह कुछ और बनने वाला है? क्या होने वाला है मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। अभी सारा सामान निकाल के बस यहाँ पे रख दिया है और मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इस टाइम टेंशन है, टेंशन के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि बॉडी में ना इतनी मेरे जान अब रही नहीं है, सच बताऊँ मैं बॉडी से मेंटली इस टाइम पे थोड़ा सा परेशान हूँ, बिकॉज मुझे ना कुछ तकलीफ़ रह ही रही है। कभी मेरे पेट में दर्द रह रहा है, कभी कुछ रह रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा रह ही रहा है कि मेरा थोड़ा सा हो जा रहा है हेल्थ का इशू। और पता है, एक तो मतलब पैदल जाना ना पड़ रहा है ना धनवी को स्कूल का, तो थोड़ा सा और आदत छूट गई है। स्कूल टाइम कॉलेज टाइम में इतना इंसान पैदल चला है, लेकिन अभी ना 3-4 साल से नहीं चलने की वजह से पूरी आदत जो है ना वो छूट गई है, तो अब चला नहीं जा रहा है। वो ये फैला इसको साफ़ करने में आज मुझे लगता है पूरा दिन जाएगा, पूरा दिन। दिवाली की सफाई तो होती है, होली की भी हो रही है। एक्चुअली मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, ये सारा जो ऐसे है ना, सर में दर्द हो रहा है देख देख के, क्योंकि ये अब सब कुछ क्लीन करना पड़ेगा, सारा चीज़ क्लीन करना पड़ेगा। और अभी कितने दिन हुए हैं, थोड़े दिन ही हुए थे जब मैं लग के सारा क्लीन किया। इंटीरियर कराना
मुझे लगता है इजी है, बट उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। इंटीरियर के बाद ना आपने पैसे लगाए होते हैं, वैसे तो पहले भी ऐसा नहीं है कि बाद में, लेकिन ना फिर थोड़ा वो लगने लगता है, खर्चे बढ़ जाते हैं, मेंटेनेंस बहुत लगती है, बहुत लगती है, लाइट्स वगैरह की तो बहुत ज़्यादा लगती है, तो भी सारा करना पड़ेगा, क्लीन चमकाना पड़ेगा क्योंकि ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। और आज मंडे है, 18 तारीख है 19 तारीख है नहीं 18 19, दोनों में कन्फ्यूज हूँ, पता नहीं क्या है। सुबह इस वीडियो में बने रहिए और अपना भर भर के भरपूर प्यारे से देते रहिए जैसे दे रहे हैं, और इतना मुझे समझ रहे हैं उसके लिए दिल से थैंक यू, लव यू। दोपहर का टाइम है, सब लोग सो रहे हैं, मैं बैठ के वेट कर रही हूँ, पंखा चलाया है, उन्होंने बोला था कि 2 घंटे बाद पंखा चला देना, उसके बाद फिर सारी सफाई करना है और फिर आपको ये सामान एडजस्ट करना, तो मैं सोच रही हूँ सो जाऊँ, बट सो जाऊँगी तो फिर उठा नहीं जाएगा, करा नहीं जाएगा, तो इसलिए मैं चुपचाप सोफे पे लेटी हुई हूँ। अब शुरू होता है मेरा रियल स्ट्रगल, जो कि आज पूरा दिन आपको पता है मैंने सिर्फ नाश्ता करते टाइम बैठी हूँ, उसके अलावा फिर सब कुछ मेरा ऐसे चल रहा था ना कि 1 बजे भैया चले गए थे। एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना बाहर का जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा आता है, ऐसा इन भैया ने बोला, तो ना थोड़े से नीचे की तरफ कॉकरोच और सबसे ऊपर के उसमें हो गए थे, तो बहुत अनहाइजीन सा लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था गिरने में, तो फिर हमने ना अर्बन क्लैब से बुक किया था, और ये भैया आके एक कोई मेडिसिन होती है वो पूरे उसमें वो करते हैं, प्रोसेस लंबा था, बहुत ही लंबा था, और ये जो मेडिसिन इन्होंने डाला वो इतना हार्ड था कि बस सर पे चढ़ गया था, जिसकी वजह से सर में इतना पेन हो रहा था ना, मेरे नोज़ और सर में बहुत पेन हो रहा था, पता नहीं मुझे ऐसे इशू क्यों होती है, या मुझे लगता है सबको होती है, बताना आप लोग कॉमेंट में। फिर मेरा जो रियल स्ट्रगल है वो शुरू हुआ शाम के ना साढ़े, घर में बच्चे हैं साथ में, कभी कभी होता है ना कोई भी खुली चीज भी रख देते हैं तो थोड़ा सा वो होता, और यहाँ पे ना बहुत किचन में नुकसानदायक था, कहीं भी आपको बताया पूरे घर की इतनी क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती जितनी ना किचन की पड़ती है, क्योंकि किचन में खाना बनता है, जिसकी वजह से ना पूरा घर तेल की वजह से, हम लोग चिमनी ऑन भी करते हैं लेकिन फिर भी ना पूरे घर में तेल चिपचिपापन हो ही जाता है, जिसकी वजह से जो सामने हमने फ्रंट वॉल पे मिरर लगवाया है वो पूरा क्लीन करना ही पड़ता है, और मैं हमेशा ये सब चीज़ें करती रहती हूँ, कभी कभार ही मैं आप सभी के साथ ब्लॉग में ये सब शेयर करती हूँ। ये ऊपर की जो लाइट्स है ना, इसको साफ़ करने के लिए कम से कम आधा घंटा लगता है, क्योंकि बहुत संभल के एक एक को धीरे धीरे आराम से साफ़ करना पड़ता है। मेरे साथ रवीना और मम्मी भी मेरी हेल्प करा रहे थे, तो हम तीनों जने मिल के लगे हुए थे, और शाम को मतलब 6:30 बजे हम लोग बिल्कुल फ्री हुए, इतना सब कुछ यहाँ पे फैला था कि मैं बस आपको क्या बोलता, मतलब सोचो आप पूरा किचन का ही सामान बाहर निकल गया, पूरे किचन का बर्तन ही आपको धोना है, तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। और उसके बाद मतलब चिमनी ऑन करने के बावजूद भी जो तेल के छींटे हैं ना, किचन तो आपने अभी देखा था कितना कुछ ही टाइम हुआ है जब पूरा डीप क्लीन कराया था हमने, बट देखो फिर से सारी चीज़ें करानी ही पड़ती है। और आप लोग बोलते हो ना कि दीदी आप पतली हो, कुपोषण हो, ये हो, कुछ लोग बोल देते हैं ऐसे, तो वो मेरी मेहनत नहीं देखते हैं कि आप देखा करो कि मैं कितना इधर उधर ऐसे वैसे करती हूँ, आप कभी भी ना मेरा ऐसे नहीं होता कि पूरा दिन आज कुछ नहीं करना बस रेस्ट करना है, ऐसा मेरा कभी नहीं होता। जिस दिन मेरा घर का किचन का काम का ऐसा होता है कि नहीं आज ये वाला काम से मेरे को टाइम है, तो मैं फिर उस दिन अपने यूट्यूब के काम में लग जाती हूँ, अपने बच्चे के काम में लग जाती हूँ, तो एक दिन ऐसा नहीं होता कि जब मतलब मेरा ये लगता है कि नहीं आज मेरे को रिलैक्स होकर ना पूरे दिन बस खाना पीना है, नहीं। और उसके बाद जितने इसके अंदर अंदर जो भी हमने थी ना वो सारे बर्तन सब कुछ इकट्ठा किया, सेल्फ वगैरह को बिल्कुल अच्छे से, पहले मैंने ना गीले कपड़े सर्फ के कपड़े से साफ़ किया, फिर मैंने दोबारा पंखा चला के फिर सूखे कपड़े से साफ़ किया कि कहीं भी थोड़ा सा भी केमिकल ना रह जाए, और फिर उसके बाद यहाँ जो भी मसाले वगैरह थे उन सबको मसाला दानी में डाला, और जो भी ये डब्बे डुब्बी है ना आज सारा धोया है, जितने डब्बे डुब्बी हैं सब धोया है, सब साफ़ किया है, कि मतलब सब कुछ जैसे होता है ना दिवाली की सफाई हम करते हैं बिल्कुल डीप, सब कुछ वही वाली सफाई हुई है आज पूरी। Thank you.
उसके बाद जो किचन है उसको पूरा क्लीन करने के बाद जो पंखा चला के सूखने के लिए छोड़ दिया था, और फिर यहाँ पे पूरा झाड़ू वाड़ू लगाया, डाइनिंग भी पूरा साफ़ किया, और मतलब मम्मी और जो सोफा वाला एरिया है वहाँ पे भी सामान थोड़ा सा बिखर गया था, तो वो सब कुछ भी अच्छे से एकदम क्लीन किया। उसके बाद मैंने और रवीना ने मिलके सारा जो बर्तन है, क्योंकि सारे पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो डस्ट कुछ ना मतलब केमिकल तो आ गया था, तो घर के जितने बर्तन हैं सारे हमने वॉश बेसिन में डाल दिए और सारे बर्तन हमने मिलके धोया, और मतलब सबको धो धो के पानी सूखने के बाद ही रखते हैं हम लोग। और मतलब भैया ने बोला कॉकरोच इसलिए भी हो जाता है कि कभी कभी गीले बर्तन हम डायरेक्ट कैबिनेट में डाल देते हैं कि, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। तो जो केमिकल डालने के लिए भैया आए थे उन्होंने हमसे 1200 रुपये चार्ज किया था सिर्फ किचन का, और उन्होंने बहुत अच्छे से सारा जो है वो क्लीनिंग मतलब कर दी थी, बाकी तो सब कुछ हमें खुद ही अरेंज करना पड़ा। तन्वी कॉकरोच क्या करते हैं? घर खराब करते हैं। हाँ इधर मत आओ, इधर कॉकरोच है नहीं आना। इधर है उसमें अब थकान आपको मेरे फेस पे दिख रही होगी, लेकिन पता है इसमें भी थोड़े से कुछ लोग ऐसे बोल देंगे देखो कैसे मुंह बनाए हुए हैं, देखो कैसे मुंह बनाया, लेकिन उस मुंह बनाने के पीछे का सारा जो स्ट्रगल है लोग वो नहीं देखते कि यार वो भी तो इंसान है, वो भी तो थकती है, वो भी तो ये, तो जाहिर सी बात है कभी कभी तो ऐसा हो ही जाता है ना। मेरा एकदम शरीर ऐसा लग रहा था ना कि मैं चुपचाप सो जाऊँ कुछ भी ना करूँ। फिर मैं यहाँ पर आ गई थी रात का खाना बनाने के लिए, तो मैंने आज खाने में बनाया था दाल चौर, आलू और सहजवान की सब्ज़ी बॉईल करके, और फाइनली जी ये देखिए मसाला दानी में मसाले भर दिए और इस तरीके से रखते हैं। आई नो इस तरीके से काम इजी हो जाता है, सारे डब्बे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हमेशा यूज़ करते थे तो इस बार मन था कि छोटे छोटे डब्बे में सारी चीज़ें रखें। गाइस ब्लॉग को करते हैं एंड और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, और जैसे सारा सामान किचन से बाहर निकला था ना देख कैसे मुझे रोना सा आ गया था सोच के कि अरे यार ये सब क्या इतना सारा काम एकदम से बढ़ गया, तो देख के एकदम से लड़ता बैठ के रोऊं चुपचाप। सो गाइस बस मैं आपसे यही बोलूँगी इंटीरियर कराना उतना वो नहीं होता जितना उसको मेंटेन करना रहता है, बहुत ही ज़्यादा वो लग जाता है सही में, शरीर की तो बैंड बच जाती है और पैसे भी खर्च होते हैं। बाकी चलिए जितना हुआ सारा मेरे से कर दिया, बाकी ब्लॉग को एंड करते हैं, खूब सारा प्यार दीजिए, वीडियो को शेयर करिए,
लाइक कीजिए साथ में, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।